बुद्ध के धम्मपद सूत्र 26 तक अब तक हम बात कर चुके हैं और धम्मपद के सूत्र 27 में श्रावस्ती के जेतवन में बाल नखत को उपदेश देते हुए बुद्ध कहते हैं, मिथ्याभिमान मत करो, काम एवं राग का अनुसरण मत करो, अप्रमादी एवं विचारवान व्यक्ति विपुल सुख को प्राप्त करता है। मिथ्याभिमान मत करो, मिथ्याभिमान का अर्थ होता है झूठा ही अभिमान करना, ऐसा अभिमान जैसा वो है नहीं, सिर्फ बनता है। और बुद्ध जब इस अनित्य जगत की और अनात्म की बात करते हैं तो इस अनित्य जगत में किसी भी प्रकार का अभिमान करना मूर्खता के सिवाय और कुछ भी नहीं, क्योंकि यहाँ कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी समय अपना नहीं, यहाँ तक कि यह शरीर भी अपना नहीं, यहाँ तक कि यह जितने भी सगे संबंधी हैं, माता पिता हैं, यार दोस्त हैं, भाई बहन हैं, यह भी अनित्य जगत का हिस्सा है, यह भी बहुत ज़्यादा समय के लिए हमारे पास नहीं है, और हम खुद भी, हमारा यह शरीर भी यहाँ ताउम्र पूरी जिंदगी, पूरे समय यानी अनंत समय तक रहने वाला नहीं, एक इसकी मियाद है, एक इसकी लिमिट है, एक इसका समय है, और उस समय का भी हमें पता नहीं कब यह शरीर हमसे छूट जाएगा, इसका हमें कोई भी भान नहीं, कोई भी पता नहीं। और यहाँ की कोई भी वस्तु जो भी हमने एकत्रित की हो, चाहे हमने जितनी मर्जी मेहनत की हो, चाहे हमने जितना मर्जी धोखा दिया हो, चाहे हमने जितना मर्जी यहाँ मारकाट की हो, लोगों को सताया हो, उनके दिल को दुखाया हो, उनको तरह तरह की यातनाएं देकर यहाँ जो कुछ भी इकट्ठा किया हो, या यहाँ हमने बहुत मेहनत करके जो कुछ भी सांसारिक पदार्थ इकट्ठे किए, इसकी कोई भी असलियत नहीं, यह सब कुछ ही छिन जाने वाला है। क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि जन्म, जरा और मृत्यु, इनसे यह संसार चलता है, बनता है, बिगड़ता है, और इन्हीं से यह शरीर बनता है, चलता है, फिर बिगड़ता है, बूढ़ा हो जाता है और फिर मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जिसके लिए हम अभिमान करें, यहाँ कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसके लिए अभिमान करें, यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं जिसके लिए अभिमान किया जा सकता है। अभिमान सिर्फ वही व्यक्ति कर सकता है जो मूर्ख है, जिसकी मिथ्या दृष्टि है, जिसकी दृष्टि में भ्रम है, जिसको अभी विवेक और प्रज्ञा का कोई पता नहीं, जिसको अपनी मृत्यु का पता नहीं, मृत्यु की याद नहीं, जिसको इस अनित्य जगत, इस भवलोक के असीम दुखों का अभी कोई एहसास नहीं, वही व्यक्ति अभिमान करता है, और वह व्यक्ति निपट मूर्ख है। इसलिए मूर्ख है क्योंकि पल भर के बाद ही जिस चीज के लिए वो अभिमान कर रहा है वो चीज इसके हाथों से फिसल जाने वाली है, या तो यह फिसल जाएगा या वो वस्तु फिसल जाएगी, लेकिन व्यक्ति अभिमान करता है। इसी को बुद्ध कह रहे हैं मिथ्या अभिमान, ऐसा अभिमान जो अभिमान के लायक ही नहीं, बिल्कुल ही झूठा अभिमान है, बिल्कुल ही उसकी कोई असलियत नहीं। इस तरह का अगर कोई व्यक्ति
अपने मन में अहम बनाकर बैठा है, अहंकार करके बैठा है, तो वह व्यक्ति प्रमाद में है, गहरे प्रमाद में है। उसको अभी इस जीवन की, इस दुनिया की असलियत का कोई पता नहीं। इसलिए बुद्ध कहते हैं धम्मपद के सूत्र 27 में कि मिथ्याभिमान मत करो और काम एवं राग का अनुसरण मत करो। काम एवं राग का अनुसरण मत करो, बुद्ध का यह वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि काम एवं राग से यह संसार चलायमान होता है। काम एवं राग से यहाँ बार बार भव में जन्म होता है। काम एवं राग में आसक्त हुआ व्यक्ति और जितने भी विकार हैं वह इससे ही घिरे हुए आते हैं, इससे ही चलते आते हैं। द्वेष है, ईर्ष्या है, मोह है, लोभ है, यह सब काम एवं राग से ही निकल कर आते हैं। और बुद्ध कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को अपने विकारों का प्रहण करना है तो उसको काम एवं राग से बचना होगा। जो भी व्यक्ति काम वासना से ग्रसित है, जो भी व्यक्ति राग में फंसा हुआ है, जिसके अंदर राग विराजमान है, वह व्यक्ति आध्यात्म की राह पर, मुक्ति के पथ पर, शाश्वत सत्य की खोज में नहीं निकल सकता। उसका मन उसको विचलित कर देगा, उसका मन उसके साथ लगने वाला नहीं, उसका मन उसे धोखा दे देगा, क्योंकि काम एवं राग मन के भोजन है। मन राग में आसक्त रहना चाहता है, मन कामनाएं चाहता है, मन नई नई चीज़ों को, नई नई वस्तुओं को बटोरना चाहता है। और जो भी व्यक्ति अपने मन को काम और राग में लगाता है, उस व्यक्ति को निर्वाण की चाह नहीं, उस व्यक्ति को निर्वाण मिलने वाला नहीं, उस व्यक्ति को निर्वाण के पथ का कुछ पता नहीं चलने वाला। इसलिए बुद्ध कहते थे अपने भिक्षुओं को कि काम वासना से बचना, राग से बचना। और राग के प्रहण के लिए बुद्ध ने तरह तरह के ध्यान बताए। भावना ध्यान बहुत महत्वपूर्ण है। बुद्ध आगे कहते हैं धम्मपद के सूत्र 27 में अप्रमादी एवं विचारवान व्यक्ति विपुल सुख को प्राप्त करता है। अप्रमादी के बारे में हम बहुत बात पहले भी कर चुके हैं और बुद्ध बार बार अप्रमाद शब्द का इस्तेमाल करके हमें चेताना चाहते हैं, हमें जागरूक करना चाहते हैं, हमें बता रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जो प्रमाद में है, जो मूर्छित है, जो अभी सोए सोए ही अपना जीवन बिता रहा है, वह व्यक्ति निर्वाण के पथ पर नहीं चल सकता। उस व्यक्ति को सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि संसार का आर्य सत्य यही है कि यहाँ दुख है। दुख इसीलिए है क्योंकि व्यक्ति प्रमाद में है, और प्रमादी व्यक्ति जो कुछ भी बटोरता है, जो कुछ भी इकट्ठा करता है, वह प्रमादवश है, और उसकी उस प्रमादवश अवस्था से के कारण ही वह भवलोक में फंस जाता है। क्योंकि प्रमादी व्यक्ति भव से बाहर नहीं निकलता। भव से बाहर निकलने के लिए तो जागरण चाहिए, जागृति चाहिए, अवेयरनेस चाहिए, होश चाहिए, और होश सिर्फ और सिर्फ ध्यान से आ सकता है, और ध्यान के लिए अप्रमाद चाहिए। अप्रमादी व्यक्ति ही ध्यान कर सकता है, अप्रमादी व्यक्ति ही विपुल सुख को प्राप्त हो सकता है। विपुल सुख का अर्थ है कि वह सुख जो कभी दुख में तब्दील नहीं होता। विपुल सुख का अर्थ है वह सुख जो कभी कम नहीं होता।
लेकिन उसको पाने के लिए विचारवान बनना होगा, और विचारवान व्यक्ति की पहचान ही यही है कि वो ध्यानी है। विचारवान व्यक्ति ही ध्यानी होता है, विचारवान व्यक्ति ही अप्रमादी होता है, विचारवान व्यक्ति ही निर्वाण के पथ पर आगे बढ़ता है। अप्रमाद आवश्यकीय अंग है, और अप्रमाद के लिए विवेक की जागृति चाहिए, अप्रमाद के लिए होश चाहिए, अप्रमाद के लिए ध्यान चाहिए, और ध्यान के लिए आर्य अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण चाहिए, ध्यान के लिए शील के नियमों का पालन चाहिए। बुद्ध काम एवं राग का अनुसरण मत करो जब कहते हैं, तो बुद्ध हमें शील के नियम भी देते हैं। शील के नियमों का पालन करने वाला व्यक्ति काम एवं राग से बचता है। शील के नियम का पालन करने वाला व्यक्ति प्रमाद में ग्रसित नहीं होता, अप्रमादी बनता है। शील के नियमों का पालन करने वाला व्यक्ति विचारवान बनता है। वह विचार करते रहता है कि कहाँ शील के नियमों का पालन किया जा रहा है और कहाँ शील के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। और जो भी व्यक्ति विचारवान बना, जो भी व्यक्ति अप्रमादी बना, वह व्यक्ति अवश्य भावी ही विपुल सुख को प्राप्त करता है, क्योंकि फिर उसके जीवन में दुख बचता नहीं, दुख उसे घेर नहीं सकता, क्योंकि वो विचारवान है। वो किसी भी तरह का निर्णय लेने से पहले विचार करता है, किसी भी तरह का निर्णय करने के लिए पहले होश से उसके सारे पहलुओं पर विचार करता है। वह आंख बंद करके कोई भी कदम नहीं उठाता, वह बिना सोचे समझे कुछ नहीं करता। और जो भी व्यक्ति बिना सोचे समझे इस संसार को भोग लेने की कोशिश कर रहा है, वह व्यक्ति को दुख मिलना अवश्यंभावी है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि दुख तो आर्य सत्य है, क्योंकि यह पूरा संसार ही अनित्य है, अनात्म है, इसकी कोई असलियत नहीं है, इसकी कोई हकीकत नहीं है, क्योंकि यह बहुत ही कम समय के लिए हम अपनी आंखों के सामने देखते हैं, और यह भी निरंतर बदलता चला जा रहा है। विचारवान व्यक्ति सभी पहलुओं पर विचार करता हुआ कुशल कर्म की तरफ बढ़ता है, और कुशल कर्म अनिवार्यता है एक अप्रमादी की, कि अप्रमादी कुशल कर्म ही करता है, और अप्रमादी लोकहित में कर्म करता है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं करता। और जो भी व्यक्ति लोकहित के लिए कर्म करता है, अपने स्वार्थ के लिए कर्म नहीं करता, वह व्यक्ति को दुख घेरता नहीं, क्योंकि उसका अपना कुछ भी नहीं। और जो भी व्यक्ति मिथ्याचरण में नहीं है, मिथ्याभिमान में नहीं है, मैं और मेरी की भावना से मुक्त है, आत्मदृष्टि से मुक्त है, वह व्यक्ति विपुल सुख को प्राप्त करता है। और मिथ्याभिमान से बचने के लिए, काम एवं राग से बचने के लिए, प्रमाद से बचने के लिए, और अविचारवान होने से बचने के लिए एक ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन और ध्यान साधना, शील के नियमों का पालन, और अपनी दृष्टि को बुद्ध के चरणों में, सत्पुरुष के चरणों में लगाए रखना। जिस भी व्यक्ति ने अपने को बुद्ध के चरण में, बुद्ध के शरण में रखा, वह व्यक्ति ही इन सभी विकारों से ऊपर उठ पाता है, क्योंकि इस संसार का नियम ऐसा है कि यहाँ यही बातें संसार को निर्मित करती हैं। काम संसार को निर्मित करता है, राग संसार को निर्मित करता है, मिथ्या अभिमान से संसार में फैलने में मदद मिलती है, मिथ्याभिमान से इस संसार में उलझने में मदद मिलती है, मिथ्याभिमान से
अपने को बलशाली और दूसरे को जमीन में रौंदने में मदद मिलती है। और प्रमाद से व्यक्ति की सोचने और समझने की क्षमता ही चली जाती है, फिर वह इस संसार में बहता ही चला जाता है, इस भवलोक में बहता है, गोते खाता है। और कोशिश यही रहती है कि इस भवलोक में मैं सुख को भोग लूंगा। और प्रमादी व्यक्ति कभी सुख को भोग नहीं सकता, क्योंकि वह मूर्छित है। वह मूर्छा में जो भी सोचता है वो गलत ही होता है। क्यों? क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि इस भवलोक में किसी को सुख नहीं, यह भवलोक दुख का नगर है, और दुख के नगर से ऊपर उठने के लिए उस नगर से ही बाहर निकलना होगा। हमें बुद्ध के वचनों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करनी चाहिए। नमो बुद्धाय।